हाय गाइस, आज हम आपके लिए सुशांत लोक फेस वन में इंग्लिश स्टाइल बिल्ड लग्जरी बिल्डर फ्लोर लेके आए हैं, जो कि 500 स्क्वायर यार्ड्स में है। इफ्को चौक का मेट्रो स्टेशन बहुत पास है, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। आइए अंदर चलते हैं। इसके एंट्रेंस पे डोर फोन दे रखा है, जो भी आएगा आप उसे देख सकते हैं कैमरे के थ्रू और उसे एंट्री दे सकते हैं। ये हम इसके आ गए स्टिल्ट पार्किंग एरिया में। ऊपर कॉब लाइट्स दे रखे हैं, बहुत ही अच्छी सीलिंग है, सामने वुडन वर्क भी किया गया है, नीचे बहुत अच्छा पैटर्न दिया गया है मार्बल से। और ये इसके गेट्स हैं, चार गेट्स हैं अलग अलग फ्लोर के लिए, चार फ्लोर के लिए चार गेट्स अलग अलग दे रखे हैं। और ये पैटर्न बनाया गया बहुत सुंदर मार्बल से। और ये आ गई इसका ग्लास पार्टीशन, जो कि इसकी एंट्रेंस लॉबी है। ये लिफ्ट लॉबी है इसकी, ये लिफ्ट है थिसनक्रप की, जो कि जर्मनी ब्रांड कंपनी है। और ये इसके स्टेयरकेस हैं, नीचे सारे में ग्रेनाइट लगा हुआ है, हाई क्वालिटी ग्रेनाइट लगा हुआ है। और साइड में रेलिंग है, नीचे फुटलाइट्स दे रखी हैं, नीचे फुटलाइट्स हैं जो कि बहुत अच्छी लुक देंगी रात को आप आएंगे तो। और ये इसकी एंट्रेंस है, और ये साइड में लिफ्ट लॉबी, साइड में ग्रेनाइट लगा हुआ है इसके। ये आपकी लिफ्ट लॉबी आ गई। और ये इसके एंट्रेंस है, ये लैंप लगाए गए हैं दो एंटीक लैंप। और ये देखिए हैवी क्वालिटी डोर है, जो कि 90s की लुक दे रहा है एकदम। और ब्रास का हैंडल है इसका, हाई क्वालिटी डोर है। ये हम एंटर कर चुके हैं, ये नीचे इटालियन मार्बल। और ये ड्राइंग एंड डाइनिंग, ऊपर फैंस हैं, फॉल सीलिंग, और ये वुडन का काम किया गया है, ये सारा वुडन का काम किया गया है साइड में। और ऊपर देखिए इसकी सीलिंग पे सारे में कॉब लाइट्स, नीचे इटालियन फ्लोरिंग, सिंपल डिसेंट फ्लोर है। और ये डोर सेट का लॉक है, डोर लॉक, हाई क्वालिटी डोर लॉक। यहाँ पे डोर फोन आएगा, ये देखिए हैंगिंग लैंप्स लगे गए हैं, लुक देखिए यहाँ की। यहाँ पे आप फर्नीचर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। अभी तो फर्नीचर है नहीं, पर आप इमेजिन कर सकते हैं। ये इसकी किचन है, ये एंट्रेंस करते हैं, ये इसकी एंट्रेंस है। साइड में वुडन का काम किया गया है, वुडन का वॉलपेपर है यहाँ पे भी। नीचे इटालियन मार्बल। और ये ब्रेकफास्ट टेबल है, आइलैंड किचन कहते हैं इसे। अभी थोड़ा काम बाकी है, ये फिनिश होके बहुत अच्छी लगेगी। अभी हॉब भी नहीं लगा हुआ, चिमनी भी नहीं लगी, अभी लगा के देंगे हम आपको, ब्रांडेड कंपनी की। ये इसका वेट एरिया है, ये ऊपर आप यूटेंसिल्स रख सकते हैं यहाँ पे धो के, ताकि सारा पानी वेट एरिया में ही गिरे। यहाँ पे आप यूटेंसिल्स रख सकते हैं। ये मूवेबल टैप है, ये स्टेनलेस स्टील का डबल बाउल सिंक है, देखिए। ये आपका आ गया यूटिलिटी एरिया, ये यूपीवीसी डोर विद टफन ग्लास, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यूटिलिटी एरिया आ गया ये आपका, ग्रेनाइट का टॉप दे रखा है। यहाँ से व्यू देखिए आप, ग्रीनरी दिख रही है एकदम। अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए फोल्डिंग्स लगाए गई हैं। ये देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, ये देखिए टेक्सचर पेंट है, ये टेक्सचर पेंट है यहाँ पे बहुत अच्छी। ये नीचे टैप है, और ये लाइट्स दी गई हैं नीचे, जो कि बहुत अच्छी लुक देंगी रात को आप चलाएंगे तो। ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल है, और ये नीचे दो बास्केट्स दे रखे हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट बास्केट्स। यहाँ पे आप फ्रूट वेजिटेबल जो भी रख सकते हैं, जो रखना है आपको। ये देखिए पेंट्री एरिया, इसका पेंट्री एरिया है, यहाँ पे मसाले दाल चीनी जो रखना है रखिए। सारी जर्मन फिटिंग्स हैं, हैटिक कंपनी की सारी फिटिंग्स है किचन में। ये देखिए आप, स्टोरेज की कोई कमी नहीं है,
और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिसेंट स्टोरेज दी गई है, स्टोरेज की कमी नहीं है बिल्कुल, 500sq.yrd के प्लॉट साइज में कोई कमी नहीं है, स्टोरेज तो भरपूर है। यहाँ पे स्टोरेज देखिए आप, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं किचन में। यहाँ पे आपका हॉब आएगा, ये देखिए, यहाँ पे आपका आएगा फ्रिज इस एरिया में, ऊपर फैन दिया गया है। ये इसका ड्राइंग एंड डाइनिंग कुछ अच्छा ऐसा है, ऊपर ओरियंट्स के फैन है, ऊपर ओरियंट्स के फैन है। ये इसकी बालकोनी है, नीचे वुडन फ्लोरिंग है, यहाँ पे भी लाइट्स दी गई हैं। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है, यहाँ पे ग्रेनाइट की टॉप दी गई है, ये देखिए सारे में ग्रीनरी ग्रीनरी, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये नीचे फ्लोर ड्रेन दिया गया और ये देखिए टेक्सचर पेंट है सारा, जो कि बहुत अच्छी लुक देगा। अगर आप विजिट करेंगे तो देखेंगे, कैमरे में बहुत कुछ जस्टिफाई नहीं होता, आप विजिट करिए। अगर आपको 500sq.yrd की बिल्डर फ्लोर लेनी है गुरुग्राम में, आप विजिट करिए। ये हम आ गए इसके फर्स्ट बेडरूम में, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ऊपर डिसेंट सी फॉल सीलिंग दी गई है, बहुत अच्छा काम किया गया है, कुछ गॉडी काम नहीं किया गया, बहुत बोल्ड कलर्स यूज़ नहीं किए गए, डिसेंट सिंपल, आँखों को जो चुभे नहीं वैसा काम किया गया है। ये देखिए आप, वहाँ पे एसी की फिटिंग है, ऊपर फॉल सीलिंग, कितनी डिसेंट कितनी सिंपल फॉल सीलिंग है। और ये इसकी बालकोनी एरिया, हर जगह लाइट्स दी गई हैं, यहाँ पर रात को जलाइए बहुत ही लुक को इनहांस करेगा। यहाँ पे आपको टैप दे रखा है, ये देखिए कितनी अच्छी लुक दे रहा है। अभी ये सब हट जाएगा फोल्डिंग्स तो और भी अच्छा लुक आएगा, एकदम खुला खुला फील होएगा आपको, हवा भी बहुत डिसेंट आएगी, बहुत ही सुंदर। आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीजिए, शाम को पीजिए, हवा चलती रहेगी। और ये इसका बाथरूम, ये वार्डरोब्स दी गई हैं, मैं खोल कर दिखा देता हूँ, इसके वार्डरोब्स हैं, ये देखिए नीचे शू रैक है और ऊपर ये हैंगिंग स्पेस दे रखा है। ये देखिए आप, नीचे शू रैक दिखाता हूँ, ये इसका शू रैक है, ये दूसरी भी खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए कितने कैबिनेट्स दे रखे हैं आपको, स्टोरेज की कमी नहीं है घर में। और बेडरूम है, वन पाउडर रूम, ड्राइंग एंड डाइनिंग और एक किचन, देखिए आप स्टोरेज की तो कमी नहीं है घर में, कितना भी सामान स्टोर कीजिए आप। देखिए डोर के पीछे भी वार्डरोब है, पूरी सीलिंग तक है वार्डरोब। और ये देखिए इसका बाथरूम है, इटालियन मार्बल यूज़ हो रखा है वॉल पे भी, ताकि पानी से ख़राब ना हो वॉल, ये देखिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। बाइफरकेट किया गया है ग्लास पार्टीशन, ये बाथिंग एरिया है, इसका बाथिंग एरिया है, ऊपर रेन शावर दिया गया और सारे में इटालियन मार्बल यूज़ किया गया वॉल पे भी,
नीचे WC और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, गीजर भी फिटेड है। और डोर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और ये इसका है पाउडर रूम, अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए थोड़ा गंदा है पाउडर रूम, पर आपको एकदम अच्छा होके मिलेगा। सारे में इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है, ऊपर फैन दे रखा है, WC और वॉश बेसिन है सिर्फ यहाँ पे। ये देखिए डोर की क्वालिटी देखिए आप, इतनी एंटिक लुक दे रहा है डोर। डोर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारी इंग्लिश स्टाइल बिल्ट है ये। विंडो फ्लोर आपको बहुत अच्छी लुक दे रहे, ये देखिए आप डोर, देखिए आप अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। इसका सेकंड बेडरूम है इटालियन मार्बल वही सेम, ऊपर फॉल सीलिंग डिसेंट सी, बहुत हैवी वर्क नहीं किया गया, डिसेंट काम किया गया है। ये देखिए आप सारे में LED लाइट्स लगा रखी हैं। और ये इसकी वार्डरोब है, ये इसकी वार्डरोब है, ये देखिए आप अब हम चलते हैं इसके बाथरूम में। ये इसका बाथरूम है, ये देखिए ब्राउन कलर का मार्बल यूज किया गया है। सारे बाथरूम में, सारे बेडरूम में अलग कॉम्बिनेशन किया गया है, कोई भी रिपीटेड पैटर्न यूज़ नहीं किया गया। नीचे वैनिटी है इसका, वैनिटी एरिया है, डिसेंट स्पेस है, ऊपर ग्रेनाइट दिया गया है। ये WC हो गई इसकी, ऊपर कंसील्ड एग्जॉस्ट दे रखा है। देखिए आप ट्रेन शावर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। उससे जाने से पहले आपको इसकी रियर बालकोनी दिखा देता हूँ। इसकी रियर बालकोनी है, रनिंग बालकोनी है पूरी, और ग्रीनरी पीछे भी बहुत है आगे भी बहुत है, दोनों तरफ ग्रीनरी है। आपको वेंटिलेशन की दिक्कत होगी नहीं, इस रेलिंग पे पेंट होना बाकी है बस। इसका थर्ड बेडरूम है, नीचे वुडन फ्लोरिंग है, एक बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग है और बाकी तीन में इटालियन मार्बल, और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन चेंज हो गया इसमें भी। यहाँ पे AC की फिटिंग आएगी। और ये इसकी बालकोनी है जो कि पीछे की साइड खुलती है, इसकी बालकोनी थी। ये देखिए आप फॉल सीलिंग कितनी सुंदर है, कितना इंप्रेसिव काम किया गया है यहाँ पे। और ये इसका बाथरूम, नीचे इटालियन, ये वैनिटीज की। अभी यहाँ पे लुकिंग ग्लास आएगा, अभी लगाया नहीं गया। और ये डोर के पीछे वार्डरोब्स, बाइफरकेट किया गया ग्लास पार्टीशन के साथ, रेन शावर ऊपर, गीजर, वेंटिलेशन के लिए विंडो,
सब चीज़ दी गई है। अब हम चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। इसका मास्टर बेडरूम फोर्थ बेडरूम है ये इसका। ये देखिए इसमें टेलिंग मार्बल है, फॉल सीलिंग इसकी भी डिफरेंट है, स्क्वायर शेप में फॉल सीलिंग है इसकी, हर रूम में डिफरेंट फॉल सीलिंग है। ये देखिए अब डिज़ाइन अलग है हर रूम में फॉल सीलिंग का, कितनी प्यारी फॉल सीलिंग दी गई है। आप आइए विजिट करिए, देखिए तभी समझ आएगा, वीडियो में सब कुछ बताना मुश्किल हो जाता है। इसकी रियल बालकोनी थी जो सेकंड बेडरूम से दिखाई थी, और ये इसका बाथरूम हो गया। इसका बाथरूम बहुत ही बड़ा बाथरूम है इसका, ये देखिए आप विंडो दे रखे वेंटिलेशन के लिए साइड में, इटालियन मार्बल यूज किया गया है, यहाँ पे लुकिंग ग्लास आएगा, यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है ग्लास पार्टीशन से, नीचे WC ऊपर फॉल सीलिंग फैन, कंसील्ड एग्जॉस्ट सब में सेम चीज की गई है, एक जैसा काम किया गया पूरी फ्लोर में। ये देखिए आप फिर से देख लीजिए मास्टर बेडरूम को, फॉल सीलिंग को देखिए। होप आपको लेआउट समझ आया होगा। हमने यहाँ से एंट्री करी थी, यहाँ से एंट्री करी थी हमने, और ये इसकी किचन थी, साइड में पाउडर रूम वो उसका फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पे ड्राइंग एंड डाइनिंग था, उसका, और ये इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड बेडरूम थे, सेकंड थर्ड फोर्थ बेडरूम थे। होप आपको लेआउट समझ आएगा। और ये इसका पूजा रूम है, यहाँ पे आप पूजा रूम बना सकते हैं पूजा करने के लिए, ये स्पेस दी गई है बिल्डर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।